أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم سورة انفال ترجمہ تفسیر دوسرا رکوع अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। जब उसने तुम्हें ऊंग से घेर दिया तो उसकी तरफ से चैन थी। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाहो अन्हो ने फरमाया कि गनूदगी अगर जंग में हो तो अमन है और अल्लाह की तरफ से है और नमाज में हो तो शैतान की तरफ से है। जंग में ऊंग का अमन होना इससे जाहिर है कि जिसे जान का डर हो उसे नींद और ऊंग नहीं आती, वह खतरे और बेचैनी में रहता है। सख्त डर वक्त ऊंघाना अमन पाने और डर निकल जाने की दलील है।
कुछ मुफस्सिरों ने कहा है कि जब मुसलमानों को डर हुआ और बहुत ज्यादा प्यास लगी तो उन पर ऊंख डाल दी गई जिससे उन्हें राहत हासिल हुई और थकान और प्यास दूर हुई और वो दुश्मन से जंग करने पर कादिर हुए। यह ऊंख उनके हक में नियमत थी और एक साथ सबको आई। बड़ी जमात का सख्त डर की हालत में इस तरह एक साथ ऊंघ जाना खिलाफे आदत है। इसलिए कुछ उलमा ने फरमाया यह ऊंघ चमत्कार के हुक्म में है। खाजिन, और आसमान से तुम पर पानी उतारा कि तुम्हें उससे सुथरा कर दे, शैतान की नापाकी तुमसे दूर फरमा दे और तुम्हारे दिलों को ढारस बंधाए और उससे तुम्हारे कदम जमा दे। बद्र के दिन मुसलमान रेगिस्तान में उतरे, उनके और उनके जानवरों के पाव रेत में धंस जाते थे और मुशरिक उनसे पहले पानी पर कब्जा कर चुके थे। सहाबा में कुछ हजरात को वजू की, कुछ को गुस्ल की जरूरत थी और प्यास की सख्ती थी, तो शैतान ने वसवसा डाला कि तुम गुमान करते हो कि तुम हक पर हो, तुम में अल्लाह के नबी हैं और तुम अल्लाह वाले हो, और हाल यह है कि मुशरिक लोग गालिब होकर पानी पर पहुंच गए। तुम बगैर वजू और गुस्ल किए नमाजें पढ़ते हो तो तुम्हें दुश्मन पर विजय होने की किस तरह उम्मीद है। तो अल्लाह ताला ने मेघ भेजा जिससे जंगल सैराब हो गया और मुसलमानों ने उससे पानी पिया और गुस्ल किए और वुजू किए और अपनी सवारियों को पिलाया और अपने बर्तनों को भरा और गुबार बैठ गया। जमीन इस काबिल हो गई कि उस पर कदम जमने लगे और यह नेमत विजय और कामयाबी हासिल होने की दलील है। जब ऐ महबूब, तुम्हारा रब फरिश्तों को वही भेजता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुसलमानों को साबित रखो उनकी मदद करके और उन्हें बशारत देकर, बहुत जल्द काफिरों के दिलों में हैबत डालूंगा, तो काफिरों की गर्दनों से ऊपर मारो और उनकी एक एक पोर जोड़ पर चोट लगाओ। अबू दाऊद जमानी जो बद्र में हाजिर हुए थे फरमाते हैं कि मैं मुशरिक की गर्दन मारने के लिए उसके दर पे हुआ, उसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कटकर गिर गया, तो मैंने जान लिया कि उसको किसी और ने कत्ल किया। सहल बिन हनीफ फरमाते हैं कि बद्र के दिन हम में से कोई तलवार से इशारा करता था तो उसकी तलवार पहुंचने से पहले ही मुशरिक का सर जिस्म से जुदा होकर गिर जाता था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियां काफिरों पर फेंक कर मारी तो कोई काफिर ऐसा न बचा जिसकी आंखों में उसमें से कुछ पड़ा न हो। बद्र का यह वाकिया शुक्रवार की सुबह 17 रमजान सन 2 हिजरी में पेश आया। यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालिफत की और जो अल्लाह और उसके रसूल से मुखालिफत करे तो बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। यह तो चखो जो बद्र में पेश आया और काफिर मक्तूल और कैद हुए, यह तो दुनिया का अजाब है और उसके साथ यह है कि काफिरों को आग का अजाब है आखिरत में। ए ईमान वालों, जब काफिरों के लाम से तुम्हारा मुकाबला हो तो उन्हें पीठ न दो, यानी अगर काफिर तुमसे ज्यादा भी हो तो उनके मुकाबले से न भागो, और जो उस दिन उन्हें पीठ देगा लड़ाई का हुनर करने या अपनी जमात में जा मिलने को, तो वह अल्लाह के गजब में पलटा और उसका ठिकाना दोजख है, और क्या बुरी जगह पलटने की। यानी मुसलमानों में से जो जंग में काफिरों के मुकाबले से भागा वह अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हुआ, उसका ठिकाना दोजख है। सिवाय दो हालतों के, एक तो यह कि लड़ाई का हुनर या करतब करने के लिए पीछे हटा हो, वह पीठ देने और भागने वाला नहीं है। दूसरे, जो अपनी जमात में मिलने के लिए पीछे हटा वह भी भागने वाला नहीं समझा जाएगा। तो तुमने उन्हें कत्ल न किया बल्कि अल्लाह ने। जब मुसलमान बद्र की लड़ाई से लौटे तो उनमें से एक कहता था कि मैंने फला को कत्ल किया, दूसरा कहता कि मैंने उसको कत्ल किया। इस पर यह आयत उतरी और फरमाया गया कि इस कत्ल को तुम अपने जोर और कुव्वत से मत जोड़ो कि हकीकत में अल्लाह की मदद और उसकी तकवियत और ताईद है। उन्हें कत्ल किया और ऐ महबूब, वह खाक जो तुमने फेंकी तुमने न फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी, और इसलिए कि मुसलमानों को उससे अच्छा इनाम अता फरमाए, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। विजय और कामयाबी तो लो, और उसके साथ यह है कि अल्लाह काफिरों का दांव सुस्त करने वाला है। ऐ काफिरों, अगर तुम फैसला मांगते हो तो यह फैसला तुम पर आ चुका,
यह संबोधन मुशरिकों से हैं जिन्होंने बद्र में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की, और उनमें से अबू जहल ने अपनी और हुजूर की निस्बत यह दुआ की, या रब हम में जो तेरे नजदीक अच्छा हो उसकी मदद कर और जो बुरा हो उसे मुसीबत में जकड़। और एक रिवायत में है कि मुशरिकों ने मक्का मुकर्रमा से बद्र को चलते वक्त काबे मुअज्जमा के पर्दों से लिपट कर यह दुआ की थी कि या रब अगर मोहम्मद सच्चाई पर हो तो उनकी मदद फरमा, और अगर हम हक पर हैं तो हमारी मदद कर। इस पर यह आयत उतरी कि जो फैसला तुमने चाहा था वह कर दिया गया, और जो समूह सच्चाई पर था उसको विजय दी गई। यह तुम्हारा मांगा हुआ फैसला है, अब आसमानी फैसले से भी जो उनका तलब किया हुआ था इस्लाम की सच्चाई साबित हुई। अबू जहल भी इस जंग में जिल्लत और रुसवाई के साथ मारा गया, और उसका सर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर किया गया, और अगर बाज आओ तो तुम्हारा भला है सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और अगर तुम फिर शरारत करो तो हम फिर सजा देंगे, और तुम्हारा जत्था तुम्हें कुछ काम न देगा चाहे कितना ही बहुत हो, और उसके साथ यह है कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।